गाइज वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक सीम, जहाँ पर अर्जेंटीनियन लीग का एक मैच हो रहा है इंडिपेंडेंट वर्सेस वेलेस सार्सफील्ड के बीच 4:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एंड बात करें अगर हम इस मैच की, तो इंडिपेंडेंट एंड वेलेस सार्सफील्ड दोनों टीम्स मेरे को काफ़ी डिसेंट लगती हैं। और मैं आपको बताया कि पिछले मैच में भी कि आज अर्जेंटीनियन लीग के दो मैच जो ऐड किए थे, जिसमें से पिछला मैच था जिमनेशिया का और ये जो मैच है ये 4:30 बजे, ये मैच की दोनों मिलाकर काफ़ी वीक मैच है। मतलब ये अर्जेंटीनियन के कोई बड़े लिए लेवल के मैच नहीं है। बड़े लेवल के तो अलग ही होते हैं, उनकी तो टीम आप देख के बता दोगे कि हाँ भाई इट्स अ ग्रेट टीम, लेकिन वो चीज़ इनमें नहीं है। ये तो काम चलाऊ टीमें है सीज़न की। टोटल अर्जेंटीनियन लीग में 28 टीमें खेलती है यार, 28 28 में से टॉप 5 में आना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ टॉप 10 में आना भी बहुत बड़ी बात है। 28 टीमें हैं भाई, 8 या 18 नहीं, 28। तो इसलिए मैं हर टीम की रिस्पेक्ट तो करूँगा। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखिए स्ट्राइकिंग में मेरा ऐसा है कि मैं SAR की स्ट्राइकिंग से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। मैं सच बताऊंगा कि जब मैंने पिजीनी को, मतलब इसके लास्ट कुछ मैच चेक कर रहा था 22 मई से पहले जो लास्ट सीज़न था, और जो बीच में एक लीग हुई थी आता नहीं अर्जेंटीनियन कोपा लीग में, भूल गया हूँ, तो उनके अंदर क्या था कि पिजीनी ने पेनल्टी गोल्स तो किए थे बट ओरिजिनल गोल तो नहीं आए जो हमें चाहिए। उसके बाद ब्रियन रोमेरो अपनी तरफ से बेचारा कोशिश करता है, लेकिन नाकामियत इसे ज़्यादा मिलती है। तो ऐसा है कि रोमेरो को कैप्टन तो मैं रखूंगा नहीं, भले कोई भी रखे मेरे को परवाह नहीं, मैं इसको टीम में लूँगा। उसके बाद INDT टीम में गैब्रियल एवलोस को तो मैं लूँगा। उसके बाद जो हमारा प्लेयर है जिमनेस, ठीक है मार्टिस जिमनेस, इसको ना रेड कार्ड मिला था लास्ट मैच में, ये होता तो आई थिंक अच्छा रहता बट इसको मिल गया रेड कार्ड। अब इसकी जगह पर ये इग्नाशियो को भेजते हैं या कैनेलो को, ये नहीं अभी अभी पता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कैनेलो खेले। और बात करें मिडफील्डिंग की, एक्यूनो के बाद यहाँ पर मैंने पेलेग्रिनी को जब एनालाइज़ किया तो पिछले मैच में कुछ ढंग का रिकॉर्ड नहीं था, तो चुपचाप ऑर्डोनेस को लो, जो ओरिजिनलिटी है वही उन्हीं के साथ जाएंगे। और जीए क्विनेंस की अगर बात करूँ तो जॉनी क्विनेंस इज एन एवरेज प्लेयर, क्योंकि बाकी देखा जाए तो मैंक्यूलो अच्छा है, मैंक्यूलो मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसे लूँगा, लेकिन बाकी जो प्लेयर है लाइक न्यूवस मैरकोन ये चल नहीं रहे। कहने को दम इनमें बहुत है, इनको रेगुलर खिलाए तो आई थिंक ये भी गोल करते दिखें, दम बहुत है लेकिन बेचारे चल नहीं रहे। और डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर लैसो ईस्ला को तो लेना ही लेना है, किसी को भी छोड़ देना ये ना छूटे। स्पॉरेल तो अभी मेरे हिसाब से गेम स्पॉइल ही ना कर दे इनकी, क्योंकि थर्ड डिफेंडिंग पे और अभी वो नया है, तो इसलिए मैं ना डी पैरस के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा। एंड बात करें गोल कीपिंग की, तो टीम आर्ची ओरी बहुत पुराना प्लेयर है, मतलब इसका नाम रटा हुआ है जब भी बात होती है ना SAR टीम की अर्जेंटीनियन लीग में, तो मेरे मतलब गोल कीपिंग में मेरे को और कोई दिखता नहीं। आई थिंक मैं इन दोनों को जानता भी नहीं हूँ कि गॉर्जन और ई गोमेस कब खेले थे लास्ट टाइम, मेरे को ये भी नहीं याद, क्योंकि मार्ची ओरी इतना मेन है हर मैच पर खेलता है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन चुपचाप एवलेस को रखो, और वाइस कैप्टन अभी ना आप ऐसा करो, अभी आप जल्दबाजी ना करके कैनेलो को रखो, ठीक है। एंड रखना स्ट्राइकर को ही, मिडफील्डिंग थोड़ी रिस्की रहेगी। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।